सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की जंग अब काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी है। जहां सलमान के चाहने वालों को बिश्नोई एक एक कर ख़त्म कर रहा है, वहीं पर सलमान के सिर का दर्द भी बन चुका है। लॉरेंस बिश्नोई का खौफ इतना हो चुका है कि पहले सलमान को सिक्योरिटी दी गई थी, उसके बाद खौफ इतना बड़ा कि गैलेक्सी अपार्टमेंट पर गोलियां चली, उसके बाद सलमान की सिक्योरिटी डबल कर दी, उन्हें वाई प्लस सिक्योरिटी भी दे दी गई। लेकिन उसके बाद भी लॉरेंस बिश्नोई बाज नहीं आया। वो लगातार सलमान के चाहने वालों को ख़त्म करने पर तुला हुआ है। कैसे न कैसे सलमान खान पर दबाव बनाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं। दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। अब ऐसे में लॉरेंस बिश्नोई, जो कि सलमान को ख़त्म करना चाहता है, सलमान के आसपास उनके चाहने वालों को ख़त्म करना चाहता है। अब ऐसे में सलमान खान के आसपास डर का माहौल बना हुआ है। वहीं पर बाबा सिद्दीकी, जो कि सलमान खान के सबसे चहेते रहे हैं, सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती तो जग जाहिर है। वहीं बॉलीवुड के भाई जान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती को लेकर सोशल मीडिया पर कई सारी वीडियो तस्वीरें वायरल भी होती थी, लेकिन अचानक से बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई और इसकी जिम्मेदारी बिश्नोई गैंग ने ले ली है। इस बात से साफ हो जाता है कि लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर सलमान खान है और जो भी सलमान खान के करीब होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा माना जा रहा है। अब ऐसे में सलमान खान के लिए वाई प्लस की बजाय जेड प्लस सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। दरअसल सलमान खान को लेकर अब जेड प्लस सिक्योरिटी दी जाएगी, जिसमें एनएसजी कमांडो होंगे और इसके अलावा अत्याधुनिक हथियार भी होंगे। वहीं पर ट्रेंड गनमैन के साथ साथ पूरी की पूरी फौज भी होगी, यानी कि लॉरेंस बिश्नोई सलमान को मारना तो दूर छू भी नहीं सकता। अब ऐसे में सलमान खान की सिक्योरिटी तिगनी कर दी गई है।